परिणाम कौन जीता? मैंने पता है बैंकी में जो निर्वाचन होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमको रायबरेली जनपद में भेजा, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया और पंचायत प्रतिनिधि भी उस कसौटी पर खड़े उतरे। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं और कहते थे ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं समझता हूं रायबरेली जनपद में कांग्रेस खत्म होकर के मोदी का गढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है। उनको और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास किया था और कोशिश करके उस पर खड़े उतरे और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिलकर जो लड़ी थी उसको तीनों को शिकस्त दिया गया। एक बड़ी जीत का अंतर है और समाजवादी पार्टी लगातार दम भरे तो चार विधायक जनपद में है, उसके बावजूद भी जमानतगत स्थिति है। रायबरेली के चार विधायक सपा के और कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, सभी लोग एक तरफा जो है और एक उनके नगर पंचायत के चेयरमैन, सभी लोग मेहनत किए लेकिन कुल 129 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पर 23-4 वोट मिला कुल, तो इस हिसाब से बहुत भारी जीत हुई है। तो कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई? सभी प्रत्याशियों की जब्त हो गई, कोई बच्चे नहीं। 3 प्रत्याशी थे जिनको 4-4 वोट मिला है और समाजवादी पार्टी को 129 वोट मिला है, अगर उनको 422 वोट मिलता तब जमानत जब्त हो गई। जय श्री राम।